हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखिए ये डॉग क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ खोदते ही जा रहा है अपने पैरों से। डॉग की जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूर यहाँ पर अंदर कुछ होगा, सांप भी हो सकता है, चूहा भी हो सकता है। देखिए ये डॉग कैसे यहाँ पर हाथों से अपने सब खड्डा सा कर रहा है। ये इनकी सुनने की शक्ति बहुत होती है, ये अपने सुनने की शक्ति की वजह से कुछ भी पता कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें आप देखिए, पुलिस हो या आर्मी हो, उनके इसमें भी शामिल किया जाता है। बम कुछ भी हो, ये सब आदमी के पैरों में निशान से उन तक पहुँचा सकते हैं। देखिए कैसा कर रहा है डॉग, कितने टाइम से पता नहीं यहाँ क्या है, सुअर चूहा है या सांप है कोई, या पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है यहाँ। आई हैव टू बी अलर्न केयरफुल, निकल आया तुम कुछ कुछ कह नहीं सकते क्या है यहाँ पर। तो देखिए कैसा एक करते जाना है, लगभग 2 मिनट हो गए इसको। ओ माय गॉड, ही इज मेकिंग अ होल लाइक लाइक जैसे कोई इंसान खोदता है कुछ खड्डा सा, उसी तरह अपने हाथों से कर रहा है। मतलब इसके अंदर, ज़मीन के अंदर इतना ये सुन सकता है कि क्या है। आई मीन ये डॉग की एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है। देखिए खोदता ही जा रहा है ये। और अभी हूँ मैं अपने खेत में, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं घास निकाल रहा हूँ सोयाबीन में से, हमारे बहुत घास है और धूप काफी तेज है। पर मुझे नहीं लगता ये कितना भी खोदे, क्योंकि जो कुछ भी है वो बहुत अंदर जमीन के अंदर से चला जाता है। लेट्स सी क्या निकलता है, अगर कुछ निकल हाथ लगता है इसके तो देख लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि जो भी है ज़मीन के अंदर से वो इधर से उधर भी आ जा सकता है। ये ज़मीन में ऐसे ही होता है, छेद अंदर से सब अंडरग्राउंड हो जाते हो, एक जगह तो ही रहती। और यहाँ 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 तक हिट आ गए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, खोदते जा रहे हैं। स्टॉप डॉग, हे पागल साला, लीव इट गाइस। अगर कुछ इसके हाथ लगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो अपना काम करते हैं, घास निकालने का अभी अपने पास टाइम नहीं है। लेट्स गो, थैंक यू गाइस।